ऋतु बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड़
लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। Thank you.
ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक ब्रोकुटि के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं मकान मालिक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। दिव्यता का प्रकाश मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा के चौ ओर अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के जो सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं। जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को
दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे मैं इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा हूं। मुझे चैतन्य सितारे से दिव्यता की चमक चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा चैतन्य सितारा हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। अष्ट शक्तियों की चमक मौसम मस्तक मणि से चारों ओर फैल रहे हैं। यह शरीर तो एक साधन है, शरीर तो मात्र मेरा वस्त्र है। शरीर तो मुझ आत्मा का वाहन है। शरीर मुझ आत्मा का घर है। मेरा मूल अस्तित्व एक चमकते हुए है, धमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। निराकारी दुनिया से आई हुई मैं निराकारी आत्मा हूं।
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मोस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह कर्मी इंद्रियों से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों फैल रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव पिता मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं।
स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मस्त फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकलदे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल पांच हजार वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। अरे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। सचमुच मुझे अपने शिक्षक पर नाज है। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था स्वयं निराकार भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वह रोज परम धाम से आकर
मुझे ज्ञान के कोई राज बड़ी सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे मेरे शिक्षक पर नाज है। लाडले बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरदहस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। और मैंने जो मंत्र दिया है उस मन मना भो के मंत्र का जाप करते रहो। मीठे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, अपने दिल के समाचार की लेन देन मेरे साथ करो। और स्वयं को सदा लाइट और खुशनुमा अनुभव करो। मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो। मेरे साथ खाओ। सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहे हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से उड़ती हुई निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं।
निराकार दुनिया में पहुंच गई। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकार दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, मूल वतन। ओ, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे सुपिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा अपने दिव्य चक्षु से निराकार शिव पिता का सुंदर स्वरूप निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर शिव पिता ही है। मैं उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अपने दिल तख्त पर बिठा दिया। बाबा मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा जो आपने मुझ पर एहसान किया है बाबा, कोई और नहीं कर सकता। बाबा मेरे सलोने साजने, मैं आत्मा निराकार बिंदु आत्मा उनकी सजनी हो। अपने सलोने शिव साजन को ईश्वरीय नशे से चूर, नेत्र
नेत्र से देख रही हूं। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजने अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं। अति समीप पहुंच गई हूं। अरुण की लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर में डूब चुके हूं। खुदा पर फिदा हो चुके हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं शिव मैं बन चुके हूं, कंबाइंड हो चुके हूं। अपने अस्तित्व को खो चुके हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी है। प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। होती ही जा रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा शक्तियों के सागर से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में प्राशन कर रही हूं। स्वयं में ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग के प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तपती ही जा रही हूं।
इतने बेहद विशाल परम धाम में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति सागर, शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनकी सुखद कंपनी में परम सुख के परम आनंद के अनुभूति हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहारे में वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे बाबा, दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहो, समाई रहो, लीन होकर रहो। पाना था सो पा लिया बाबा, मैंने आपसे अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली बाबा, लेकिन मेरी एक और छोटी सी आस है बाबा, कि मेरे दिल रूपे मंदिर में आपके ही प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे। बस जलती ही रहे और मैं आत्मा सच्ची योगेन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, आपके ही संग में आपके ही रंग में सदा रंगते रहूं बाबा। ज्ञान सूर्य की तपत में मैं आत्मा तप रही हूं, मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन
साकारी दुनिया की ओर। आ रही हूं और इस साकारी शरीर में प्रकृति के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मैं आत्मा राजा हूं, अपने कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर नियंत्रण तथा शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। स्वराज अधिकारी स्थिति का नशा राजाई का नशा मेरे चेहरे पर छाया हुआ है। भगवान ने मुझे अपनी स्वराज अधिकारी स्थिति की राजाई पुनः लौटा दी है। शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है और वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश डायरेक्ट परम धाम से मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी हूं, ज्योतिबिंदु हूं। स्वयं भगवान ने मुझे करोड़ों में चुनकर ब्राह्मण जन्म दिया है। इस बेहद ड्रामा में हीरो पाठधारी बनाया दिया है। मैं आत्मा हीरो एक्टर हूं, ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। उनसे हर रोज मुझे श्रीमद के रूप में डायरेक्शन मिलता रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। स्वयं भगवान ने मेरे लिए
रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में मैं आत्मा तन मन धन से स्वाहा होकर अपना तथा अनेकों का भाग्य बना रही हूं, भाग्य का सितारा चमका रही हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता स्वयं मेरा बाप बन चुका है। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकती हूं और लुटा सकती हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य का सितारा चमका दिया है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से। चारों ओर फैल रही है, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।